कलेक्टर की जनसुनवाई में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे और समस्या के निदान के लिए गुहार लगाई, तो वहीं कलेक्टर साहब ने भी लोगों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मंदसौर में कलेक्टर की जनसुनवाई में 4 फीट के एक युवक ने मध्य प्रदेश सरकार से लोन दिलवाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि जिस पर कलेक्टर ने उद्योग विभाग को आदेश भी दे दिया है, उस व्यक्ति ने कहा है कि सरकार से लोन की गुहार लगाई है, इसके लिए सभी को ज्ञापन भी दे चुके हैं। कलेक्टर ने लोन दिलवाने का आश्वासन दिया है, लोन नहीं मिलने पर युवक ने आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। सर, मुझे सरकार से कोई भी प्रकार का लोन चाहिए जी, और उसमें मुझे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहे और आर्थिक सहायता भी कहीं से भी नहीं मिल रही है। मैंने तहसील में और SDM साहब को सभी को मैंने आवेदन दे दिया और अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है जी। विधायक साहब को भी मैंने आवेदन 2 बार दे दिया है, सांसद जी को भी नहीं दिया, अभी देना है उनको, अभी दे रहा हूँ उनको जी। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने बोला कि कोई भी आपको लोन दिलवाएंगे जी, तो उसमें मुझे 15 दिन का समय दे दिया है जी। और उसके बाद में नहीं देंगे तो मैं यहाँ पर आके आत्महत्या कर लूंगा। इसी प्रकार एक पीड़ित हंसराज सोलंकी ने सीतामऊ TI अमित सोनी की शिकायत जनसुनवाई में की है। युवक के मुताबिक वो TI के घर में काम करता था। यहाँ आए एक पैसों से भरे बैग के बारे में TI ने किसी को नहीं बताने की हिदायत दी थी, लेकिन दोस्त को बताने पर TI ने केस दर्ज कर उसे बंद कर दिया। अब लगातार धमकियां दी जा रही हैं, अब वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया है। वो TI साहब के यहाँ में काम करता था, खाना बनाने का, तो बेलारी गांव से पैसों का भरा बैग आया था। तो TI साहब ने मेरे को बोला कि किसी को बताना मत, तो मैंने किसी मित्र को बता दिया, तो उन्होंने मेरे साथ 25 आम सेट लगा के 10,000 की चोरी बना दी जी। थाने में डाल दिया मेरे को, 3 दिन तक मारपीट करी मेरे साथ और 8 दिन थाने में रखा ना, 8 दिन जेल में रखा हुआ। क्योंकि मैं थाने में था, इतने में घर के किराए का घर था, घर पर ताला लगा दिया, सामान सब लेके आ गए। वो सामान मांगने जाता तो गाली गलौज करते और हमारे घर पर पत्थर फेंकते हैं कि सीतामऊ छोड़ के भग जाऊँगी तो गोले से उड़ा देंगे। तो सब खाना बनवाने की आड़ में इस चीज़ से मंगवाते थे कि इधर से रिश्वत लेके आ, उधर से रिश्वत लेके आ। जब तो मैंने चोरी नहीं करी ना, जब पैसों का बैठ के बेलारी से भेगा उस समय चोरी करी, और चोरी करी तो साबित कर दे तो मैं वापस जेल जाने के लिए तैयार हूँ। क्या मैंने उन लोग घर में चोरी कर, चोरी कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, न रिपोर्ट बनी, बंसी धोबी क्या है, जबकि उससे मेरे 1 महीने पहले रंजिश थी। परेशान हो चुके हैं, हमको आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, कि तो हमारा सब सामान वापस दिलवाया जाए और इन 5ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए उन्होंने कलेक्टर से सहायता राशि की गुहार लगाई है। मेरी पत्नी गंगा भाई है नी, उसके कैंसर की बीमारी, मैंने बहुत पैसे लगा दिया उसको, 7-8 लाख रुपए लगा दिए सर, तो भी हाल उसको ये बगल पर नली लग रही और हाल भी डबल ऑपरेशन होगा सर, उसको बहुत पैसे लगा दिया मैंने, बहुत गंभीर हालत है मेरी, मेरे पास पैसे बोली कुछ नहीं है। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि इन पीड़ितों की समस्याओं का कब तक निराकरण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News मंदसौर।